ये देखो आज की हालत रही। शहर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मानसी ब्लॉगर। रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो इस बार गरबा का जो है ना वो थोड़ा लोकेशन चेंज हुआ है, वहाँ पे स्टेज बन रहा है, उधर देख लो आप, ये इधर। सो वही देखने के लिए गई थी कि कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, बिकॉज अच्छा है ना, मतलब हर साल उधर एक जगह पे होता था हर साल, नाउ दे हैव चेंज दिस प्लेस, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट आएगा, थोड़े डिफरेंट वीडियोज आएंगे, थोड़ा डिफरेंट फील आएगा। सो या समथिंग डिफरेंट फॉर दिस ईयर। लोग भी बहुत ज़्यादा हैं इसलिए दे हैव चोजन द एरिया जहाँ पर ना ज़्यादा लोग आ सकें। और मैंने अभी जस्ट जुम्बा फिनिश किया है, आई एम जस्ट वॉकिंग, हल्की हल्की धूप है ना सुबह, विटामिन डी के लिए अच्छा है। और पता है आपको, मेरे को विटामिन डी का पीछे इशू आया था, वैसे उसका मुझे से याद आया कि उसका भी मुझे एक बार ना वापस से टेस्ट करवाना है, जस्ट टू सी कि मतलब ठीक है लेवल की नहीं है, तो विटामिन डी और बी ट्वेल्व का वापस से करवाना है। तो अभी हल्का सा धूप ले लूँ, भीनी भीनी सी धूप है ना, और वो भी बैक पे आ रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर बड़ा अच्छा फील हो रहा है। Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. जैसे आपने देखा कि मुझे, मैं वॉकिंग कर रही थी, मुझे ना सोनिका मिल गई, एक दो और फ्रेंड्स मिल गए थे, तो बात करके फिर सोनिका ने बोला चल घर पे ब्रेकफास्ट यू नो करते हैं साथ में। तो आई वाज आल्सो नॉट इन अ मूड, मुझे घर आने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, खाली खाली सा लग रहा था घर आज काफ़ी ज़्यादा। सो आई वॉज जस्ट रूमिंग अराउंड, मैं कहा चलो बैठ के, फिर हमने काफ़ी बात करी, इवन उसका भी बहुत, शी इज़ ऑल्सो कीपिंग वेरी बिजी, शी इज़ अ वेरी अमेजिंग बेकर, तो सारे केक्स मेरे इसी के यहाँ से आते हैं, तो ना शी इज़ नाउ फुल्ली ऑक्यूपाइड, उसके पास इतना सारा काम था। पर हमने कहा कि चलो हम लोग ना 5-10 मिनट आराम से बैठ के गप्पे मारते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, फिर अपने काम में लगेंगे। तो वही यहाँ पे सारी बातें, और इसके ना जो फ्लैट है सामने से ना पूरा पार्क दिखता है बच्चों का, सो इतना हैप्पी हैप्पी फील होता है ना, बिकॉज बच्चों की आवाज़ें आती रहती हैं, बच्चे खेलते हैं, और ये मफिन, उनका जो पेट डॉग है उसका नाम मफिन है, तो वहीं पर बैठा हुआ था, उसको वहीं पर ऐसा है ना एक पाव अपना ऊपर रख देता है वो पैर पर जब उसको कुछ खाने का मन करता है। सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी क्यूट, सो इट वॉज अ वेरी नाइस टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर, बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए। जस्ट अभी आई सोनिका के घर में नाश्ता करके, आज ना मेरा ऐसा मन ही नहीं कर रहा था घर आने का, ऐसा मेरा लगता था मैं बाहर ही घूमू, बिकॉज घर आके घर तक खाली सुभाष रहते हैं इस टाइम पे, आके चाय बनाना, साथ में बैठना, और फिर स्कूल के बाद अनन्या रहती है, तो आज मुझे अपना बिल्कुल मन नहीं रहा था। थैंक गॉड सोनिका मिली, तो थोड़ा टाइम पास करके आई हूँ, शी इज ऑल्सो वेरी बिजी, उसके भी बहुत सारे केक के ऑर्डर है, तो मैंने आज कमरा भी नहीं समेटा, तो अभी ये करते हैं, फिर आराम से थोड़ा सा बैठूंगी और फिर लंच वगैरह बनाऊंगी। आज मैं जुम्बा उसके गरबा के प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जा रही है, मेरा आई एम नॉट फीलिंग लाइक, नॉट इन अ मूड, काफी बार होता है ना, कुछ दिन ऐसा होता है कि आपको सब कुछ करने का मन होता है, कुछ दिन होता है कि यार टेक इट लेट बैक डे, तो आई एम टेकिंग इट वेरी इजी टूडे, मैं आज थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सो आज वहाँ नहीं जा रही, तो आई हैव लॉट ऑफ टाइम टूडे, तो मैं बैठूंगी आराम से, न्यूज पेपर पढ़ने वाली हूँ, और फिर आराम से ये सारा सेट करूंगी। उड़ गया, यही कबूतर है जो आगे मेरे पत्ते खाते हैं, उधर का तो पूरा खा लिया, अब यहाँ पे इनको दिखे होंगे हरे हरे पत्ते, भी इधर आ गए, आज सारे जग भी खाली है, खा गया सुबह से ना, ऐसा मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का, ना लिटरली मन नहीं था, आई यहाँ स्कूल गई, उसके बाद मैं बस जुम्बा गई, उसके बाद से मैं जस्ट टाइम पास कर रही हूँ आज लिटरली।
सो थोड़ी देर बैठने के बाद वापस अपने काम में लग गए, घर तो सेट करना ही था। सो वही सारा सामान जो है ना उसको पूरा जो है उसको सेट किया, अन्य के खिलौने मतलब उसको कितना भी बोलो अंदर रख के वो वापस लेके आ जाती है, उसका हैरी पॉटर फीवर मुझे लगता है अभी चलने वाला लंबा। एनी वेज तो वो सब सेट करके बाहर, कपड़े भी सूख गए थे और डस्ट आजकल इतना आता है ना कपड़े सूख जाते हैं ना, मैं ट्राई करती हूँ इमीजिएटली अंदर लेके आऊँ, बाहर ना रखूँ उनको, बिकॉज अदरवाइज उसके ऊपर ना मिट्टी यानी वो सारा डस्ट जो बारीक बारीक धूल होती है ना वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ले आई अंदर तो मैंने कहा साथ बाई साइड फोल्ड भी कर लेती हूँ कपड़ों को, तो कपड़े फोल्ड करने ही लगी थी तो बेल बज गया, और बेल बजा तो पार्सल आया, तो मेरा काम वहीं पर वापस रुक गया। सो पार्सल को तो ऐसा है ना मुझसे रुका नहीं जाता, मुझे कुछ भी पार्सल रिसीव होता है ना सुभाष ऐसा है कि लेके रख देते हैं साइड में, पर मुझे ऐसा होता है जब तक मैं खोल के देखूँ ना कि आया क्या है मुझे चैन नहीं मिलता है। तो मैं वही खोली थी क्योंकि काफ़ी सारे सामान ऑर्डर करें, क्या आया है कैसा आया है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो वही खोला तो मैंने ग्लासेस ऑर्डर करे थे, तो वही कांच के ग्लासेस आए थे एंड काफ़ी अच्छे निकली ये ग्लासेस, साइज़ वॉज ऑल्सो वेरी गुड। तो इस हिसाब से है जो डिज़ाइन है पैटर्न है, 6 का सेट था ये, और दूसरा मेरा मेबलिन का जो मस्कारा है वो भी ख़त्म हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था इनफैक्ट उसको ना लिए हुए। ये भी मैंने नया मंगाया, तो यस ये मस्कारा बहुत अच्छा है, ट्राई नहीं किया है तो पक्का से ट्राई करना। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं थोड़ा सा केला, दही और थोड़ा शहद, इसको अच्छे से अपन ना मिक्स कर लेंगे। बहुत दिनों बाद मैं फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, बीच में मैंने थोड़े टाइम के लिए बंद रखा था इस इशू की वजह से, बट आई स्टार्टेड सिंस लास्ट वीक, शेयर करना भूल जाती हूँ। सबसे पहले ना मैं फेस को स्क्रब करूँ, ये खत्म होने वाला है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्क्रब है, फॉरेस्ट एसेंशियल का है। ये भी खत्म हो जाएगा तो मंगाना पड़ेगा, चलता बहुत है, काफी अच्छा है। तो हफ्ते में दो बार फेस स्क्रब करो या फिर हफ्ते में एक बार भी काफी है, आजकल तो बहुत है केमिकल पीलिंग वगैरह भी आ रहा है, बट अभी तक मन में शिफ्ट हुई नहीं हूँ, सो आई लव दिस ओनली सिंपल। इससे क्या होता है ना डेड सेल्स वगैरह निकल जाते हैं और जो आपकी पोर्स हैं वो क्लॉग नहीं होते, तो सबसे ज्यादा बड़ा रीजन पिंपल्स का पोर का क्लॉग होना है, वो नहीं होता है। तो इसको अच्छे से 5 मिनट हम अच्छे से पूरा रब करेंगे, हाथों को भी अच्छे से पूरे डेड सेल्स निकल जाते हैं साइड साइड में। फेस को वॉश कर लिया है अच्छे से, पैट ड्राई कर लेंगे और अब ये जो फेस पैक है ना वो लगाएंगे। और ये फेस पैक ना बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है, स्पेशली समर टाइम पे या फिर ड्राई वेदर पे ना, क्योंकि इसमें हनी है, कर्ड है और है आपका ये बनाना, तीनों ही बहुत मॉइस्चराइजिंग है। बस रखना है 15-20 मिनट, ड्राई होने का टाइम है तो ड्राई होने दो, थोड़ा टाइम लगता है ड्राई होने में, या फिर 15 मिनट रखोगे तो भी एनफ है, तो जस्ट लगा लो। और आउच उठ गया, थोड़ा सा मेसी लगता है, थोड़ा सा गंदा लगता है, बट इफेक्ट बहुत अच्छा है। अगर फेस पे लगा लिया, नेक पे हो तो नेक पे लगा लो, मेरी टी शर्ट खराब हो जाएगी, और अगर टाइम है तो हाथ पे लगा लो। तो मैं तो 5 मिनट जो भी टाइम होता है, 2 मिनट जो बच जाता है ना हाथ पे ऐसा हल्का सा मालिश करके, इनफैक्ट इन 2 मिनट भी रह जाता तो भी ऐसा लगता है कि मुझे चलो हाथों के लिए कुछ तो हुआ। ऐसा पूरा हाथ में रख के, हाथ तो मैं 2 मिनट में धोने वाली हूँ क्योंकि मुझे लंच बनाना है, पर फेस का आई कैन लीव इट। ऐसा हाथ में रख दिया 2 मिनट के लिए और फेस को थोड़ा सा मोटा मोटा कर लेंगे, दैट्स इट। सो ट्राई पक्का करना ये वाला फेस पैक, इट्स वेरी गुड एंड वेरी हाइड्रेटिंग। देखो हालत, देखो क्या हो गया। अरे यार ये हमेशा होता है पता है, इसका फर्स्ट पेपर का ऐसा ही रहता है। तो उसको निकाल दिया तो अब जाके ठीक है, तो सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे उसके बाद बाकी यूज़ करेंगे। ये ग्लासेस भी मैंने ना वॉश करके साइड में रख दिया, सूख जाएंगे। तेल गरम हो गया, इसमें डालेंगे जीरा, हींग, लाल मिर्ची, टमाटर, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, डाल रही हूँ पतली पतली कटी हुई गोभियाँ। तो गोभी ना मैंने बहुत कम कर दिया था बनाना, जब से वो जापानीज एनसेफेलाइटिस का वो चला था ना उस टाइम से, इनफैक्ट नूडल्स भी लेते हैं तो हम पहले मना कर देते थे गोभी मत डालना है इसमें। तो कुछ दिनों पहले ना मैं लेके आई थी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ले रहे थे तो वो उनके साथ डिस्कस करके मैंने लेके आया, मैंने कहा चलो बनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं बीच बीच में अच्छे से कुक करके, तो आज लेके आई हूँ। बचपन में मम्मी बहुत बनाती थी, बहुत खाया है, इनफैक्ट मुझे पसंद भी था, बट सम हाउ यू नो वो दिमाग में वही घूम रहा था, वो जो वर्म्स होते थे इसमें, उस चक्कर में बनाया नहीं था। नमक अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, इसमें आलू वगैरह भी पड़ता है
मैं सिंपल सा बना रही हूँ। मोस्ट कुक हो गया, इसमें डालूँ थोड़ा सा मैं गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। तो फाइनली हल्का हल्का सा ये ऐसा ब्राउन हो गया है और कुक भी हो गया है, तो उसको बंद कर दूंगी। ये देखो आज की हालत रनिया की, बैग को भी पटक दिया, खुद भी पटक गई यहाँ पे। रनिया तेरा यूनिफॉर्म तो दिखाओ, ये देखो कहाँ मिट्टी में, ऐसे खेल के आई थी क्या स्कूल में? लाइक लिटरली क्रिकेट खेला आज के रहने को, बड़ा क्रिकेट का मन कर रहा है। हमारे सोसाइटी में भी अभी आने वाला है, क्रिकेट फीवर स्टार्ट होने वाला है। हर रोज दोपहर को कितने बजे निकल जाती है, 2-3 बजे निकल जाती है क्रिकेट खेलने के लिए, नया शौक चढ़ा है। चलो उठो, जाओ बैग अंदर रखो, और ये मेरा गिफ्ट हर रोज आना लेके आती है विदाउट फेल। जाओ जाओ फटाफट जाओ, नहाओ अच्छा लगेगा, फ्रेश नहाओ, और ये डालो मशीन में सबको। गॉड अनन्या मुझे कभी कभी ना डाउट होता है, ये लड़की बड़ी हो रही है कि दिन ब दिन छोटी हो रही है, 10 ईयर्स की हो रही है कि 10 मंथ्स की होती जा रही है धीरे धीरे। अनन्या हाँ उठो, लंच वंच हो गया, बैरनिया भी रेस्ट करने वाली है। कितना क्रिकेट खेला? बहुत सारा। तो अकेली तुम थी लड़की क्रिकेट में, या फिर दूसरी लड़कियां भी ज्वाइन किया उन्होंने आज? नहीं अकेली लड़की थी। अकेली लड़की। सो अनन्या के स्कूल में एक्चुअली ऑप्शन रहता है कि लड़कियों को कि वो खो खो खेले, कि सब बच्चों को खो खो खेले कि क्रिकेट खेले, है ना? सो अनन्या को क्रिकेट खेलना होता है तो पूरे लड़कों का टीम होता है और अनन्या अकेली लड़की। तुमको ले लेते हैं बॉयज टीम में? हाँ मेरी क्लास ले लेती मुझे। अच्छा, जनरली ऐसा होता है ना, बॉयज कहते नहीं हम लड़कियां नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। सो अनन्या अकेले ऑल वुमेन, देखो वुमेन क्रिकेट टीम ऐसी बनती है ऐसी 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 वो चाहिए कॉन्फिडेंस और ऐसा वो क्या बोलते हैं दृढ़ निश्चय, है ना? सो दोनों टीम में अनन्या आज कहती मम्मा दूसरे बॉयज ने मेरे के लिए मेरे अगेंस्ट चीयर्स कर रहे थे, तो मैंने कहा ऑब्वियस है ना दूसरे क्लास के हैं तो वो तुम्हारे अगेंस्ट चीयर्स करेंगे, तुम्हारे क्लास के बॉयज तो तुम्हारे लिए चीयर्स कर रहे थे ना। हाँ सो दैट इज गुड एंड आई एम सो हैप्पी कि आप अकेले जाते हो और आपको ऐसा नहीं फील होता कि सब नहीं जा रहे तो मुझे भी नहीं जाना है, यू टेक योर ओन डिसीजन विच इज वेरी गुड, गुड जॉब। सो लंच करने के बाद अनन्या का गरबा चल रहा है मैंने बोला ना बस गरबा ही गरबा। खाना डाइजेस्ट कर रहे हो? नाइस। सो ये रही शाम की चाय फ्रेंड्स, आप सबके मॉर्निंग की चाय के साथ चीयर्स। सो मच नीडेड था ये टी आज ना, तो फिर को मेरी नींद नहीं हुई। अरन्या सो गई साइड में, उसने बोला उसको थोड़ी देर बाद खेलने के लिए जाना, उसको उठा देना। तो जब भी ऐसे दिमाग में ऐसा लग जाता ना एक अलार्म कि इसको उठाना है तो पता नहीं नींद ही नहीं आती है। चलो एनीवेज उसकी गलती भी नहीं है, मेरी गलती है। मैंने ट्राई किया सोने का, फिर एक दो मैसेजेस आ गए, उसको पढ़ने लगी तो फिर नींद चली गई। चलो दैट अपार्ट, सो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था ना कि शायद मेरा व्लॉग नहीं आएगा फ्राइडे को, कुछ तो चल रहा है करके। सो आप में से एक फ्रेंड का बड़ा क्यूट सा मैसेज आया था कि उनका बर्थडे, ऐसा मत करो। तो चलो आपके बर्थडे के लिए आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और ये व्लॉग आपकी वजह से तो मुझे लगा कि यार जैसे ऐसा कमेंट किया है तो हाउ कैन आई नॉट पोस्ट। सो बेसिकली क्या हो रहा था, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे शेयर करूंगी। सो सबसे बड़ा था कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी इस वजह से क्योंकि हमको ये फ्लैट खाली करने का नोटिस दे दिया है जो ओनर है वो। सो त्यौहार है, फेस्टिवल है, इस टाइम पे फ्लैट मिलना इज सो टफ, और हमारे सोसाइटी में बिल्कुल जो जिस टाइप का फ्लैट हम देख रहे हैं ना थोड़ा बड़ा चाहिए हमको, बिकॉज 2 BHK थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे, गिवन दैट मेरा शूट वगैरह रहता है, उसके सामान वगैरह रहते हैं। सो वैसे ही फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से दिवाली त्यौहार के टाइम पे नोटिस मिलना इज वेरी टफ, बिकॉज जनरली क्या होता है ना मार्च अप्रैल के टाइम पे काफ़ी फ्लैट्स खाली होते हैं बिकॉज बच्चों का सेशन खत्म होता है, त्यौहार के टाइम पे हार्डली ही कोई ऐसा है जो फ्लैट खाली करता है, बहुत मतलब ऐसा है कि बहुत मुश्किल है। सो काफ़ी ब्रोकर वगैरह से बात करी थी हमने तो डिड नॉट वर्कआउट, वो भी अलग अलग सोसाइटी का ही बता रहे हैं, तो हमारे सोसाइटी में है नहीं, तो हम वी आर ऑल्सो रेडी टू मूव आउट ऑफ द सोसाइटी अगर कुछ अच्छा मिलता है तो। बाकी एक दो जगह हमने फ्लैट देखा है तो अभी प्रोसेस चल रहा है, कुछ शायद फाइनल हो जाएगा, सो फिंगर क्रॉस्ड उसके लिए। सो यही टेंशन है कि मतलब ऐसा फेस्टिवल के टाइम पे घर पूरा खाली करना
फेस्टिवल के बीच में, नहीं तो आई थिंक दिवाली के बाद तक आई थिंक हमको खाली करना पड़ेगा। सो ये है, तो यही चला था दिमाग में, एक दो चीज़ें और हैं तो धीरे 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 आपको बताऊंगी, तो ये सब है। सो बेसन भून रही हो ना, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। मुझे याद है पहले सुभाष को ना बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते थे, स्पेशली जब हम जर्मनी में थे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे ना, तो इसको इसकी बेसन की खुशबू से मुझे वो जर्मनी वाला टाइम ही याद आता है, बिकॉज इंडिया में आने के बाद से फिर सुभाष के पास इतने ऑप्शंस आ गए कि मौका ही नहीं मिला, जबकि मुझे अभी भी बेसन के लड्डू आई कैन हैव, आई लाइक इट। तो मैं जो बना रही हूँ वो है नॉन वेज, तो इनकेस आर यू आर नॉट कम्फर्टेबल नवरात्रा के टाइम पे नॉन वेज का कुकिंग, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट ये जो रेसिपी है ना इसमें आप पनीर, सोया चंक्स ये सब भी बना सकते हो, सो इफ यू आर कंफर्टेबल देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस। एंड यस, हर बार मुझे ये डिस्क्लेमर डालना पड़ता है बिकॉज कमेंट सेक्शन मेरे फुल हो जाते हैं कि आप नवरात्र में नॉनवेज कैसे खाते हो। सो आई एम बंगाली एंड दैट इज इट, पीरियड। बंगालीज में वी एंजॉय फूड ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, बी इट वेज बी इट नॉन वेज, सो यस हम खाते हैं। सो इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन वॉच दिस, और एल्स यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट, और मेरा बेसन जल ना जाए। सो काफी लोग ना दही को हैंग करके रखते हैं रुमाल वगैरह में, तो मैं काफी बार चाय छन्नी भी यूज कर लेती हूँ, तो अभी मैंने ये यूज किया है, तो इसमें रख के नीचे कप या बोल रख दो ना, तो भी वो इक्वली उतना ही काम करता है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे निकल जाता है। मैं दिखा रही हूँ इसमें आप पनीर भी एक्जैक्टली यूज कर सकते हो, मैं चिकन यूज कर रही हूँ, यू कैन यूज पनीर। यहाँ पे डाली हूँ मैं कसूरी मेथी, चाट मसाला, सब्जियां आप अपने हिसाब से और भी ले सकते हो, ब्रोकली वगैरह सब कुछ डाल सकते हो। मैंने डाला है टमाटर, प्याज, कैप्सिकम और धनिया पत्ता, लाल मिर्च का पाउडर जीरा पाउडर, जो हमने बेसन रोस्ट किया था उसको भी इसमें डाल देंगे, सरसों का तेल बिल्कुल हल्का सा, ये हैंग किया था वो। काफी लोग कलर वगैरह भी डालते हैं टू गेट दैट रेड कलर, बट मैं कलर नहीं डाल रही हूँ, सो इसको अच्छे से मिक्स करके एक मैरिनेशन बना लेंगे। सो इसके लिए आप ना ओवन, मैं तो बनाने वाली हूँ इसमें एयर फ्रायर कम ओवन में, आप चाहो तो ओवन में भी बना सकते हो, या फिर आप तवे पे भी हल्का सा ऑयल लगा के ना, कम ज्यादा ऑयल, अगेन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, जितना ज्यादा तेल उतना ज्यादा टेस्ट, बट स्टिल तो उसमें लगा के आप तवे में भी उसको फ्राई कर सकते हो हल्का हल्का ढक के, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें जो चिकन क्यूब्स हैं वो डाल दूंगी मैं, मिक्स करके इसको मैरिनेशन को हम छोड़ देंगे, कम से कम आधा घंटा तो छोड़ना ही है, और जितना ज्यादा छोड़ सको उतना ज्यादा बेटर है। सेम इज विद पनीर, आप पनीर को भी सेम आप ऐसे कर सकते हो। सो आई थिंक आई टुक द रॉन्ग वो, उसमें से ना पानी निकलेगा ना, तो उसमें पूरा पानी का नहीं झड़ेगा, इसमें रख देते हैं, दिस इज बेटर। हल्का सा ऊपर से ऑयल ड्रिजल करेंगे, तो उसको डाल देंगे ओवन के अंदर, लेट्स डू इट इन टिक्का एंड स्टार्ट। सो ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है, अब थोड़ा सा ना इसको उलट पलट दूंगी ताकि पीछे से भी कुक हो जाए। के वापस मैंने ओवन में डाल दिया था, आप देख सकते हो मैंने बहुत कम ऑयल यूज़ करा है, इसलिए थोड़ा सा ना इसका लुक वैसा ग्रीजी वाला नहीं आया है, ऊपर लेमन वगैरह स्क्वीज करके चटनी डाल के अमेजिंग लगेगा। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पार्सल रिसीव हुआ है मुझे, मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है डेनिस नाम से, तो उन्होंने दिया है, अरन्या को खोलना है। हाँ, अरन्या नोट पड़ेगी, आपको बोलती हूँ तो आप पॉज कर सकते हो अगर आपको पढ़ने के लिए। सो ये डियर बांशी, थैंक यू सो मच करके इनका मैसेज है, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, सो थैंक यू सो मच डेनिस। तो एक एक करके उसको ओपन करके क्यूटली उन्होंने पैक किया। हाँ करो, दिस इज व्हाट बुक मार्क है ना, जस्ट वन मोर चैप्टर, ये ना आपके लिए है। तो वो ऐसे हैंडमेड कैलीग्राफीज बनाती हैं, बहुत प्यारे प्यारे, जस्ट चेक हर पेज वंस, यू विल लव इट। भाई और भी है, हाँ। हैप्पी दिवाली, ओके दीज आर कार्ड्स, हैप्पी बर्थडे टू यू, देखो भाई ओपन करके, जैसे अगर आपको पर्सनलाइज कार्ड्स बनवाने हैं ना, सो यहाँ पे आप अपना लिखो, ऊपर ये इस हिसाब से है, दिस इज सो नाइस। सो ये इस तरह के ना फोटो फ्रेम्स हैं जिसमें आप पर्सनलाइज अपने हिसाब से कुछ भी लिखवा सकते हो। सो ये है पूरा जो उन्होंने भेजा है, दिस इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच डेनिस फॉर दिस लवली, और यस ये प्यारे से लेटर के लिए।
लेट में सबसे क्यूट लगा, उनकी डॉटर का नेम भी अनन्या है, तो उन्होंने अनन्या के लिए जो बुक मार्क्स भेजे हैं ना, सो अनन्या को इतना पसंद आया, सो दे आर लवली। है डेनिस का जो इंस्टा पेज है वो, सो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इनकेस आपको ऑर्डर करना है तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जस्ट जुम्बा करके आई आज था, जुम्बा गरबा मतलब गरबा का सेलिब्रेशन था छोटा सा वहां पे। सो ये मैंने पहना, अच्छा है कल मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया, सो आज का पार्ट भी मैं डाल देती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, वो पहना था गरबा स्टाइल में, तो आई वांटेड समथिंग बेसिक मॉर्निंग के, ना ओवर ना लेस। सो ये इयर रिंग, दिस इज अ जैकेट, दिस इज अ स्कर्ट, बेसिक स्कर्ट है ना, वेस्टर्न टाइप ऑफ स्कर्ट है, आप किसी के साथ भी पहन सकते हो, बड़ा प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला स्कर्ट, दिस इज आप एथनिक में भी कैरी कर सकते हो। तो मैंने पूरा ब्लैक ब्लैक रखा, ब्लैक टॉप और ये जैकेट पहन लिया, तो पूरा प्रॉपर लुक आ गया है। सो जस्ट मैंने एक रील शूट करके डाला है इंस्टाग्राम में, रहा नहीं गया मुझसे, वो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है ना डाकला, ओ गॉड, मतलब चलो एनीवेज, तो वो रील देखना ना, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो इसकी वजह से इंस्टाग्राम में फॉलो कर भी लो, क्योंकि बहुत सारे इसमें अलग अलग फोटोज और वीडियोज आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय, हैप्पी दुर्गा पूजो टू ऑल माई फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रा टू ऑल माई फ्रेंड्स, एंजॉय, गरबा करो, खाओ पियो, ऐश करो, बाय एंड टेक केयर।